वेलकम बैक. वी आर डिस्कसिंग द यूनिक डेट 11/11/11. सुजीत जी, आप ब्रेक में जाने से पहले कह रहे थे कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बीच में किसी तरह का टकराव है. वो किस तक टकराव की बात आप कर रहे हैं? टकराव की बात मैं ये कर रहा हूँ, मेरे हाथ में एक आंकड़ा है जी, सारे संसार का आंकड़ा है जी. अगर भारत में 1000 बच्चा पैदा होता है तो उसमें 34.61 बच्चे एक साल के होते मर जाते हैं. अगर यही बच्चा 1000 अंगोला में पैदा होता है तो 1000 में से 184.44 बच्चे मर जाते हैं जी. अगर यही बच्चा सिंगापुर में पैदा होता है तो सिर्फ 2.3 बच्चे 1000 में से मरते हैं. जो उनकी लिविंग कंडीशंस होती हैं उस पे इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है उसके रहने सहने का, उसके खाने पीने का, उसकी खुराक का, उसका सरकारी प्रबंध का, सभी कुछ पीछे में पड़ा. तो अगर ये ज्योतिष पर जान के नंबरों पर होता, आधारित होता, तो सारे संसार का आंकड़े में फर्क नहीं सी होता. इसका जवाब मैं इतना ही ज्यादा फर्क है सारे संसार का आंकड़ा मेरे पास. जी मदन जी जवाब देंगे इसका जी. मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ जिसमें स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है. उसमें एक बड़ी प्रोवर्ब है कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग. ठीक है. नंबर दो, आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि व्हाई डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. ओनली वन लाइन आंसर वाज, आई हैव रेड इट, यू हैव नॉट. ठीक, राइट. प्रिडिक्शंस के, फोरकास्ट के, प्रोफेसी के बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे मोड्स हैं. एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ देम एंड इट इज मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड इवन इन US. दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कंट्री की बात करी. ज्योतिष में लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड लिया जाता है, उसकी कंडीशन देखी जाती है कि उस कंट्री का क्या पोजिशन रहेगी. जैसे जापान यूरोप का, ये भी मेरे पास आंकड़ा है सारे यूरोप का, उसको रंगदार में दिखाया हुआ है. ये भी मैं दिखा देता हूँ, सारे यूरोप का अलग है, दूसरा अलग है. ये देखो, ये भी आंकड़ा है मेरे पास. अब जैसे जापान छोटा शहर है, जो आंकड़ा नीले रंग में दिखाया हुआ है जी, वे सबसे ऊंची, और जो लाल रंग में दिखाया सबसे नीची मौत दर का है. ये देखिए जी, लॉन्गिट्यूड और इसके ठीक है जी, अलग अलग. जापान एक छोटा सा एक कंट्री है जी, और काफी एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है. वहाँ की जो कंडीशंस हैं, इसको आप एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस कह सकते हैं. वहाँ के लोग छोटे होंगे, वो हमेशा छोटी छोटी चीज पे जाएंगे कि छोटी से छोटी चीज कैसे बनाई जाए. ये सिर्फ जापान में ही ये क्वालिटी पाई जाएगी, अफ्रीका में नहीं, या कोरिया में थोड़ा सा ये वाला टेक्नोलॉजी के प्रभाव में पैदा होना होने वाले बच्चे का मुंह गोल होगा, उसका मथा बड़ा होगा. जापानियों का सबों का बड़ा है, सभी का मुंह गोल है. क्या वहां ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता है ना. अब जो नॉर्थ पोल पे पैदा होंगे उनके नाक चपटे होंगे, और जो भूमध्य रेखा पर पैदा होंगे वो काले होंगे. पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी को क्रेडिट देते हैं आप. किससे जोड़ रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी में जोड़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में जोड़ रहे हैं. एक बच्चा नॉर्थ पोल पे पैदा होता है उसका संबंध धरती से जोड़ रहे हैं, वो तो हम भी जोड़ रहे हैं. एस्ट्रोलॉजी में जी लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड लिया जाता है. एक बच्चा नॉर्थ पोल पे होता है उसका भाग्य अलग होगा, उसकी फिजिक दूसरी होगी. भूमध्य रेखा पर होगा उसका लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड डिफरेंट होगा, उस पे पैदा होने वाले लोगों का करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगा साउथ पोल पर पैदा होने वालों के, और वैसे ही पॉपुलेशन उसकी बढ़ेगी या घटेगी. तो जो बीच वाली कंट्रीज हैं उसकी पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रहेगी. तो ये जो आदमी की फिजिक है या उसका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं कंट्री से जुड़ा रहता है. तो ऐसा नहीं है कि जो प्लेनेट्स का जो प्रभाव है वो ह्यूमन बींग्स पर पड़ता है. एस्ट्रोनॉमिकल सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेनेट्स एंड देयर मूवमेंट ऑन ह्यूमन बींग. अब देखिए टाइड्स आती हैं तो पूर्णमासी पे क्यों आती हैं? लुनेटिक्स जो हैं वो मिसबिहेव करते हैं या इरेशनली बिहेव करते हैं. But there's a science behind it too. Yes. Mars and Saturn when they come 180 degree apart, why there had been so many earthquakes? Right from I have history of from 1905 to Bhuj. I predicted the earthquake of Bhuj. एंड द सिंपल प्रिंसिपल्स इन एस्ट्रोलॉजी रखावा जा रही हैं विज्ञान इन्हें एस्ट्रोलॉजी से ही ज्यादा डिफरेंट मोड्स उसको एक्सप्लेन कर रहा है. कौन कौन जगह पर कितना आएगा, कितनी नंबर का आएगा. खेतपाल जी आप बताइए, आप किसके साथ सहमत हैं और किसके साथ नहीं? बिल्कुल गलत है, बिकॉज मैं तो ये समझता हूँ कि हर जगह का अपना वातावरण है,
अब कंट्रीज को मिलाने लगे, जापान में कुछ और सिचुएशन है, हिंदुस्तान में कुछ और चीज़ है, अफ्रीका में कोई और चीज़ है। हम बात यहाँ कर रहे हैं 11/11/2011 की, पहले ही मैं बोल चुका हूँ। अब जहाँ तक सूरज का, जहाँ तक ग्रहों का सवाल है, वो तो सब जगह मतलब मारते ही मारते हैं, इतने पैदा हुए, इतने मर गए, और इसमें इतनी बड़ा मुश्किल है इसका। हम जो कि बात कर रहे हैं 11/11 की, हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि 11 का मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरदार सिंह जी अपना, मिस्टर सुरजीत सिंह जी बता ही बता दें कि एक फिल्म बनाता है प्रोड्यूसर, गाने अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है, अदाकारी अच्छी है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है, क्यों होता है ऐसा? नहीं, ऐसा सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाली भी होती है, कम पैसा लगाने वाली कई बार नहीं, बहुत पैसा भी नहीं लगता उसका, उसका जो मार्केट में उसका टकराव है, टकराव किससे हो रहा है, कौन लोगों की कौन डिमांड पूरी करती है। मैंने तो पहले ही कह चुका हूँ कि भाई जब देखिए हम एक चीज बनाते हैं, उसमें फिल्म का ही शुरू करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं वो तो मुहूर्त निकलवा करके सभी सभी पापड़ बेल करके आते हैं, जब आप उसको हरी झंडी देते हो फिर उसमें भाग्य भी काम करता है, उसमें भाग्य काम करता है। सलमान खान की अगर शादी नहीं हो, हमारा ये कहने का मतलब है कि फिल्म जब स्टोरी लिखी जाती है, जब उस पे पैसा लगाया जाता है, उससे पहले पंडित जी से उसकी तालीम करवा के, इनकी बात सुन ली, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको बता सकती है, और मैंने प्रेडिक्शंस की हैं, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, कैलकुलेशंस हैं। अगर आपने सही टाइम में कोई फिल्म बनाई है, चाहे कुछ भी है उसमें है, तो वो हिट होगी होगी। मुझे एक बात बताइए कि आज के दिन बहुत लोग ऐसे हैं जो शादियां कर रहे हैं, आज के दिन बहुत सारी शादियां हैं, मगर सबके जो भाग्य है वो आपको नहीं, सुनिए सुनिए, आपको जिम्मे, हम मोबाइल नंबर खरीदते हैं, मोबाइल नंबर हम वही खरीदते हैं जिसमें थोड़ा याद करना भी सोखा हो, मोबाइल नंबर में क्या रखा, आप तो मिक्सअप कर रहे हैं, किसकी शादियां हो रही है, आप कहते बहुत से लोग, मैं अभी बता चुका हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में बड़ी चीजें इनफेक्ट लेना पड़ेगा, नाम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच कैन गाइड यू। आप वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई लोग सिर्फ 11/11/11 सोच के ही शादियां कर रहे हैं। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल भाग्य डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर राहुल गांधी आज शादी करना चाहें तो शादी नहीं हो सकती, सलमान खान आज 11/11 को अगर एक साल पहले सोच लेते कि आज ही शादी करनी है, वी आर कंट्रोल्ड बाई डेस्टिनी ऑल्सो। एक कपल ऐसा है, दिल्ली का कपल है, जिन्होंने 3 साल पहले एक दूसरे को मिले, उन्होंने 3 साल वेट की है इस डेट की, शादी करने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये डेट मायने रखती है कि सेंचुरी में एक बार आएगी, तो उस वजह से। तो ऐसा क्या क्या स्पेशल है इस डेट में कि उनको लगता है कि उनकी शादी इस डेट पे होने से कामयाब रहेगी? इसमें दो चीजें, एक तो है कि ये डेट बड़ी मेमोरेबल रहेगी, जैसे इन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर लेते हैं, कार का नंबर लेते हैं, हाउस नंबर लेते हैं, तो एक तो रिमेम्बरेंस में आसानी रहती है, बताने में आसानी रहती है, एक तो ये फैक्टर है इसका अंकों का। दूसरा है कि आज का दिन, हालांकि ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सबका अपना अपना डेस्टिनी है, जरूरी नहीं कि आज अगर 1 लाख शादियां पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं तो सबका भाग्य बहुत ही बढ़िया रहेगा, किसी का तलाक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी माइक्रो लेवल पर ही डिस्कस करती है, इनका भाग्य डिफरेंट हो सकता है, ये तर्कशील हो गए, मैं एस्ट्रोलॉजर हो गया, इट वाज इन माय डेस्टिनी। एक्सेप्ट कंट्री में हमसे 5 गुना ज्यादा तलाक दर है, हमारे 2001 में 7 थे 1000 के पीछे, अब 2011 में 11 हो गए हैं 1000 के पीछे, और बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, वहाँ पे तो शादियों में भी बहुत कमी आ गई है, शादियां होती नहीं है, बात नहीं है उसके पीछे है, हमने बच्चों को क्या समझाया है, क्या वही पुराना जो रीति रिवाज चलते थे कि आप किसी लड़के को विवाह कर दिया आपकी अर्थी वहीं से उठेगी, वो शराब पिए, मारे, कुटे, कुछ करे, वहीं से अर्थी उठेगी, अब वो बच्चे सहन नहीं करते, अगर दोनों का नहीं मतलब बनती तो तलाक ले लेते हैं, तलाक रोज रोज घस घस के जोने से तो तलाक अच्छा। देखिए एस्ट्रोलॉजी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, देश का अल्पात्र यानी जो आज का एनवायरनमेंट है उसको कंसीडर हमेशा ही किया जाता है। अब अगर पहले शादियां चल पड़ती, मेरे पास 2 कटिंग्स हैं और अखबार की छपी हुई है, 70 साल की उम्र में किसी जोड़े ने तलाक लिया, 80 साल की उम्र में भी, आज चंडीगढ़ के कोर्ट में ही है, मेरे क्लाइंट हैं बाई चांस, तो वहां पर वो गाड़ी खींच खींच करके चली तो सही, 70 साल में पंचर होगी, 80 साल में बिल्कुल ही चारों टायर बैठ गए, व्हाट इज दिस।
और उनकी जब कुंडलियां मिलाई गई तो वो कंपेटेबिलिटी थी नहीं। आज की डेट में अगर ऐसी शादी की जाएगी तो दो दिन चलेगी। मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल आप सबसे पूछना चाह रही हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है अब, कि ये एक ऐसा दिन भी है या ऐसी तारीख भी बन गई है जिसको बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइज किया गया है और काफी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी जो मार्केटिंग है वो एक बहुत ही मार्केटिंग एक स्ट्रेंथ है जिनकी, उन्होंने भी इस चीज इस डेट से काफी काफी पैसा कमाया है। देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमेशा होगी, हमेशा वर्ड इनोवेटिव रहेगा। हम आज बात कर रहे हैं जो 2111 में अगर ऐसी बात होगी तो उसमें बिल्कुल ही टोटली चेंज होगा। मगर खेत्रपाल जी आपको नहीं लगता कि इससे लोगों को गुमराह भी किया जाता है? मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा जो हमारा जो सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी, इसका कोई वो नहीं है क्योंकि ये बड़ा परफेक्ट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे चंडीगढ़ में दो पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, बोथ फॉर स्टार्टेड 19 अप्रैल 2000 को। अब देख लीजिए आप हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ है और टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है। तो न्यूमरोलॉजी आपको ये बता सकती है क्योंकि आपने जो चीज शुरू की है वो बिल्कुल खरी उतरेगी। मुझे आपके डे एंड नाइट का चैनल का तो पता नहीं है, परंतु मैं आई कैन से थर्टी चैनल कोई भी चलाने में कोई नुकसान नहीं है, सभी न्यूमरोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है। सरकार ही उल्ट में बैठ जाए डे एंड नाइट क्या करे, वो जैसे 11 टेबल पे तो कब्जा किया हुआ, 11 जो आप बता रहे हैं क्या करेगा, 11 इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, 11 को तो काल दिया केवल में से क्या हम ध्यान से भी महरूम इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक और एक दो बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ फिर जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो बड़े भावुक होंगे और मुझे अब वक्त इजाजत नहीं देता है। हम ये एक ऐसी डिबेट है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए। आप सबको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स टाइम टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक, डू स्टे विद अस।